अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयुष्मान, कोई कुछ भी कहे, मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हारी कोई भी गलती थी। अरे मेरे साथ जो हुआ वो तो मेरी किस्मत में था, वो होना ही था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये बेटी और माँ तो बड़े ही ड्रामेबाज हैं, और माँ तो गहना को मारकर यहाँ भोली बनी खड़ी है। आयुष बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे लिए ये सब कितना जरूरी है। जितना ख्याल तुम अपने घर वालों का रखते हो, उतना ही मरीजों का रखते हो। इसलिए हम तुम्हारी बुआ तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारा लाइसेंस रद्द नहीं होने देंगे और तुम्हारी डॉक्टरी जल्द से जल्द दोबारा शुरू करवा देंगे। ठीक है लल्ला? आयुष बेटा घबरा मत, थोड़ी देर में रावण दहन होने वाला है और तू देखना आज दशहरे के दिन तेरी सारी मुसीबतें जलकर दहन हो जाएंगी और आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। ना जाने क्यों माँ, पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है गहना को लेकर। कहना मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर अब वो इस घर में नहीं, पता नहीं कहां किस हाल में होगी। आयुष्मान क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। बोली दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आयुष जरा हटो। ओ अम्मा, ये क्या कर रही हो? ये क्या तरीका है? अरे बेटा जान भी, अगर ये गलत सवाल पूछेगी तो जवाब देने का तरीका सही कैसे होगा? ए,
लेकिन आप लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। तेरे लिए खेल। अरे बेटा जानकी, हम तेरी अम्मा के दोस्त। हमरी अम्मा? अरे भूल गई, तुझे बचपन में गोदी में कैसे खिलाया करता था हमें। याद नहीं आ रहा? नहीं। कान मरोड़ गई, याद दिलाए तुझे? अम्मा, अम्मा, अभी याद आया हूँ कि मेरी गुड्डी अम्मा है। माफ करना अम्मा, हमें कछु याद नहीं आ रहा। अरे जानकी जी, ये गुड्डी दादी है, कितना साल आपके पड़ोस में रहती थी, आपको कितना प्यार करती थी, हम इनको जानते हैं, आप अभी तक नहीं पहचाने हैं। लो, अरे इसने तक पहचान लिया हमें, लेकिन तू तू है कि हमें पहचान ही नहीं रही है। हमें तो लगा था हम ही आएंगे तो तू हमारा स्वागत करेगी, पर आई तू तो बड़ों का सम्मान करना ही भूल गई है। हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं अम्मा, नाराज होके मत जाओ, दशहरा का दिन है, भूल हो गई। देखिए बहुत बरस बीत गए हैं, हमको याद नहीं, पर आप कह रही हैं तो आप होंगी हमारी गुड्डी मौसी। रुक जाइए रुक जाइए। जाग गई नाम, तो हाँ पाँव छुआ मेरे। जीती रहो जीती रहो, और दूसरों का खून पीती रहो। जानकी हटे हो जरा। अरे ऐसे का घूर रहा है लल्ला, सुंदर लड़की देखी नहीं है का? नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। आंटी बोल रहा है मुझे फ्रेंड, बोल फ्रेंड। गुड्डी बोल गुड्डी। गुड्डी गुड्डी बोल गुड्डी। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, अभी गुड्डी ही आपको आलिया के बुरे इरादों से बचाएगी। चलो सब, रावण दहन का समय हो गया है। आलिया बेटा, इस साल रावण दहन तुम ही करोगी। नहीं करेगी रावण दहन। काहे? बुराई का अंत हमेशा अच्छाई के हाथों से होता है। मेरा मतलब है कि हम मेहमान है, मेहमान किसका रूप होता है? भगवान का रूप होता है। तो इस बार रावण दहन हम करेंगे। इस कलयुग का रावण सिर्फ मर्द नहीं, एक औरत भी हो सकती है, और आज कलयुग में रावण का दहन भी एक औरत ही करेगी। अब तुम देखना आलिया, गहना कैसे राम बनकर तुम्हारा सच सबके सामने लाती है।
गुड्डी मौसी, गुड्डी मौसी हमारी बात सुनिए, ई सब से कछु नहीं होगा। बेटा दाम की ऐसे कैसे नहीं होगा, हमने ई बहुत ई से बड़े भूतों को बखाया, ई भूत को भी हम बाबतरा भाई आलिया के भूत को भी बखा देंगे। बेटा बेटा झाड़ू झाड़ू दे, अरे झाड़ू के क्या वाली है, मारने वाली है क्या मम्मा? बुआ जी बोलिए ना इसे, मार नहीं रहे, भभूती साफ कर रहा है। अब तुम उठकर या खड़ी रहो तो फिसल गई तो। वैसे मन तो यही कर रहा है कि तुझे इससे मारूं, क्योंकि तेरी वजह से हमारे डॉक्टर बाबू पर आरोप लगा है और डॉक्टरी का लाइसेंस छीन गया है। गुड्डी मौसी हमारी बात सुन लीजिए, हमारे घर में सब डॉक्टर हैं। आलिया के रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ये बच्ची अब कभी चल नहीं पाएगी। बेटा जानकी, ये जो हमारे बाल है ना, ये ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए, जो हमारी आंखें है ना, जो दिखाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा यूं देखती है जो छुपाया जा रहा है। हमरा मतलब है शहरी इलाज तो करके देख लिए ना, तो अब देसी इलाज करके भी देख लो। अरे आंटी मुझे कोई देसी इलाज नहीं करवाना है, मम्मा बोलिए ना आप इन्हें, बुआ जी बोलिए ना। अगर ये कह रही है तो रहने देते हैं ना। है, हम ही चुड़ैल का इलाज तो कर रहेंगे। ये आप क्या बोल रही है? आप मेरी बेटी को चुड़ैल कह रही हैं? हम इसे चुड़ैल नहीं कह रहे, इसके अंदर जो बुरा साया है उनको चुड़ैल कह रहा है। अरे पर आपके इलाज से कोई फायदा नहीं होगा, नहीं कुछ ठीक होगा, आप चाहिए प्लीज। कैसे ठीक नहीं होगा, हम वही करने के लिए ही आए, तुमको खड़े कर रहेंगे हम। आप आलिया के इलाज के लिए यहाँ पे आई है, पर आपको पता कैसे चला कि इसकी ये हालत है? हैं? चकोरे! बहुत जुबान तेज चलती है तुम्हारी, तुम्हारा इलाज भी करते हैं इसके बाद, पता नहीं था पर अब हम यहाँ आए तो पता चल गया है। और अब हम ही घर के बड़े हैं तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हमारे इतने सालों के तजुर्बे से इनको ठीक करें। ये क्या है? ये पंख है, अब इसे हम से गुदगुदी करेंगे तो तुम्हारे अंदर की चुड़ैल उछलने लगेगी। नहीं दूर करो इसे, दूर करो इसे। ऐसे गुदगुदी हो गई, अब जैसे हाथों में जान आई है वैसे ही इसे पैरों में गुदगुदी करेंगे तो पैरों में भी जान आ जाएगी इसके। वो मेरा सच घर वालों के सामने नहीं आ सकता, ओ गॉड, मुझसे तो गुदगुदी बर्दाश्त ही नहीं होती, अब क्या करूं? अब देखती हूँ इसकी गुदगुदी से ही आलिया कैसे नहीं खड़ी होती, फिर पूरे घर को बताएंगे कि ई कैसे अपाहिज होने का नाटक कर रही थी। अरे गुड्डी आंटी, गुड्डी आंटी नहीं, गुड्डी बॉय, गुड्डी बॉय। गुड्डी, ये सब का कोई फायदा नहीं है, आलिया अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। खड़ी कहीं, अब दौड़ेगी डॉक्टर बाबा। क्या 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 कहा आपने? हमरा मतलब है डॉक्टर बचाना है भाई के पैरों को, अब आप देखो हम कैसे ठीक करते हैं इसको।
अभी के पैरों में ना चूटी वाली मालिश करनी पड़ेगी। कितनी भी कोशिश कर लो आलिया, तुम्हारा झूठ तो हम सबके सामने ला करके ही रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आलिया ठीक हो गई, आलिया ठीक हो गई भाई। वो जी आलिया ठीक हो गई। ये चिल्लाई मतलब ये पैरों में दर्द महसूस कर सकती है। भाई आपने जो ऑपरेशन किया था उसकी रिपोर्ट गलत थी, ऑपरेशन सही हुआ था। आलिया ठीक हो गई। ईशान वो ये आंटी की मालिश की वजह से नहीं हुआ, वो तो मम्मा का नाखून लग गया था उसकी वजह से हुआ। मम्मा आप नाखून काटा करो ना, कितने लंबे हो गए। हाँ। वो चला गई छुड़ैल। कोनो बात नहीं जान के बेटा, हमरे पास एक और तरीका है ये भूत को भगाने का। हमरे गांव में जब किसी को चोट लगती थी ना तो उस चोट पे डंडे मारने से ना वो ठीक हो जाती थी, चुड़ैल भाग जाती थी। अभी डंडा मारते ही कोई ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चलने लगेगी, भागने लगेगी। तो रुक, देख जानकी। अरे गुड्डी मौसी, गुड्डी मौसी रहने दीजिए ना। हाँ गुड्डी मौसी, कमला ठीक कह रही है, आज के लिए इतना इलाज काफी है, बाकी बाद में कर लेना। और वैसे भी आप इतनी दूर से आई हैं, इतनी थक गई होंगी, आप आराम कर लीजिए। हाँ बेटा जानकी। रामलाल, गुड्डी मौसी को वो गेस्ट रूम दिखा दो जरा। चलिए। जितना आसान सोचा था उतना आसान नहीं है इस आलिया का सच सबके सामने लाना। बहुत साथी रही, पर कल जब सूरज बाहर आएगा उसी के साथ हमें सालिया का सच भी बाहर लाएंगे और आप अपनी डॉक्टरी फिर से शुरू कर पाएंगे। डॉक्टर बाबू इस बार के लिए तो मैं बच गई, पता नहीं कब तक ये झूठ बचा पाऊंगी। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा साथ देकर हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। अरे बेटा काहे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, हमने तुमको अपना बेटी जैसा माना है। वो तो हम अस्पताल में आलिया की दवाई लेने आए थे, उनको आईसीयू में देखा हम तो डर ही गए थे। हाँ भैया, हम तो डॉक्टर बाबू के घर जा रहे थे। आलिया की रिपोर्ट हमारे पास थी, हम सबको सच बताने जा रहे थे। आराम से बेटा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा जान बची है, इस वक्त अपना दिमाग में जोर डालना अच्छी बात नहीं है। आराम से बता यहाँ कैसे पहुंची। आलिया की रिपोर्ट हम सब हो गए। कौन सी रिपोर्ट? आलिया के असली ऑपरेशन की रिपोर्ट थी हमारे पास, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो उछल सकती है, वो अपाहिज होने का नाटक कर रही है। हम सच कह रहे हैं, आपको भी भरोसा है ना? हाँ बेटा, हमको तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम जानते हैं आलिया बेटी अगर अपनी जिद पे आ गई तो वो कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब आलिया बेटी का ऑपरेशन सफल हुआ था। इस झूठ के चक्कर में आयुष्मान बाबू अब डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर की डॉक्टरी करने पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टर बाबू के डॉक्टरी करने पर रोक लगा दे। बस एक हफ्ते के लिए, अगर उनकी गलती साबित हो गई तो वो जिंदगी भर डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं। बाबू इसका मतलब हमारे पास बस एक ही हफ्ता है आलिया का सच सबके सामने लाने के लिए, पर हम कैसे लाएंगे? असली रिपोर्ट भी हमारे पास नहीं है, कौन
कोई हमारी बात का भरोसा नहीं करेगा। बाबा बाबा आप हमारी मदद करेंगे आलिया का सच सबके सामने लाने में? देखो बेटा, आलिया भी हमारा बेटी जैसी है और हमने हमेशा सच का साथ दिया है। अगर तुम सही हो तो हम तुम्हारा भी साथ देंगे। लेकिन बेटा तुम क्या करने वाली हो? बस आप देखिए बाबा, जो काम कहना नहीं कर पाई वो अब कोई और करेगा। बाबा अगर आप नहीं होते तो हमें गुड्डी मौसी के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। बस अब हमें अपनी पहचान छुपाकर आलिया का झूठा नाटक सबके सामने लाना, ताकि डॉक्टर बाबू सही साबित हो सके और वो अपनी डॉक्टरी फिर से कर सके। आलिया जब इन चप्पलों को पहनकर खड़ी होगी तो फिसल जाएगी, फिर आलिया का सच सबके सामने आ जाएगा कि वो चल सकती है। बिना व्हीलचेयर के आलिया तुम इतनी दूर आई कैसे?